नमस्कार दोस्तों, हमारा LCM HCF का वीडियोस चल रहे हैं और हमने अभी तक चार वीडियोस बना दिए हैं। आज ये पांचवा वीडियो है आप लोग जो देख रहे हैं। इसमें मैं आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन सारे कराऊंगा और धीरे ही धीरे करके इसमें मैं कोशिश ये करूंगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरह से क्लियर हो। आप लोग घबराइएगा नहीं, अगर आपको समझ में क्वेश्चन आएगा तो यकीन मानिए आपको वीडियो देखने में भी अच्छा लगेगा, और मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको वीडियो देखने में समझने में आसानी होगी। ये मेरी गारंटी है, आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लोग बोरियत बिल्कुल ना हो। अगर आप लोग कोचिंग में बैठते हैं तो एक घंटे की कम से कम क्लास तो लेते ही हैं, तो यकीन मानिए एक घंटे का हमारा वीडियो होगा नहीं, मुश्किल से 30 या 40 मिनट का वीडियो होगा। तो आप लोग उससे बोरियत बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये आपके प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ठीक है, अब हम थ्योरेटिकल पोर्शन में घुस रहे हैं और आपको समझ में भी आएगा। हाँ, हमारा वीडियोस को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आप लोगों को जितना भी हमारा वीडियोस अपलोड होगा वो नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको मिल जाया करेगा। जब भी अपने YouTube खोलेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ, ये वीडियो इनका बन के आया हुआ है, आपको इसको देख लेना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए सवाल पर आते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइड 36, 45 और 63। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 36, 45 और 63 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। हमें यहाँ पर दिया क्या है, जरा देखिए, लीस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या। जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हमारा लीस्ट नंबर या छोटी से छोटी संख्या देगा तो हमें क्या करना है, सिर्फ सिर्फ हमको LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक हमको निकालना है, कुछ नहीं करना है। याद रखना हमने क्या बोला है, जब भी लीस्ट नंबर देगा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने को, आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट जाना चाहिए, LCM। आपको अच्छे से समझ में आया, चलिए देखते हैं क्या है। 36, 45 और 63 निकालते हैं, 36, 45 और 63। 36 को हम फैक्टर देखने से पता चल जा रहा है, 36, 4 9 36, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। इसी तरह से 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 5 45, यानी कि 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और (5). इसी तरह से 63 को क्या लिख सकते हैं, 7 9 63, 7 × 3 की पावर 2। अब हम चलते हैं हाईएस्ट पावर में, हाईएस्ट पावर 2 की कितना है, 2 की पावर 2 है, इंटू 3 में हाईएस्ट पावर कितना है, जरा देखिए आप लोग, 3 की पावर 2 भी पाएंगे, और उसके बाद 5 है और उसके बाद 7 है। अगर आप लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, और 20 × 7 कितना होगा, 140 हो जाएगा, 20 × 7 = 140, और इधर 9 है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 9। अब आते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 0 = 0 हो जाएगा, 9 × 4 = 36, और 9 × 1 = 9 और 3 = 12, हमारा कितना आ गया, 1260। ये 1260 ऐसी संख्या है जो 36 को, 45 को और 63 को पूरी तरह से एग्जैक्टली डिवाइड कर देगी, पूरी तरह से काट देगी। तो हमारे तो यही क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन सी संख्या होगी जो पूरी तरह से तीनों को विभाजित कर देगी। संख्या लीजिए मौजूद है, 1260 ऐसी संख्या है जो तीनों को इकट्ठे भाग देने पर काट देगी, हमें कोई शेष नहीं मिलेगा। आप लोग समझ गए होंगे, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हल्का आगे से एक कदम इसमें बढ़े हैं सवाल में, कैसे कुछ बदलाव आया है, जरा देखिए सवाल क्या कहता है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइड 9, 12, 16 और 30 लीव्स इन ईच केस अ रिमाइंडर 3। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 9, 12, 16 और 30 से पूरी तरह से कट जाए और प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे। हमने अभी बताया छोटी से छोटी दिखे या फिर लीस्ट नंबर दिखे या स्मॉलेस्ट नंबर दिखे, कुछ भी आपको देखने और पढ़ने से अगर समझ में ये आ रहा है कि इसमें छोटी चीज के लिए पूछा गया है, तो वहां पर हमें क्या निकालना है, LCM यानी कि लासा। चलिए लासा निकालते हैं, देखने से पता चल गया 9, 12, 16 और
30 का निकालते हैं। 9 का तो सीधे आप समझ गए 3 स्क्वायर, इस 4 तिहाई 12 होता है, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर, यही तो हो गया ना 4 तिहाई 12, और ये तो हो गया 16 है ना, 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 ना, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और ये 30 कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 ना, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ऐसे लिखा उसका मतलब सब मल्टीप्लाई समझना, यानी कि 6 पंचे 30। अब हाईएस्ट पावर चलते हैं, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, इसमें 3 में हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, और फिर इसके बाद 5 है, जरा मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो 16 हो ही गया, 16 पंचे 80, और 80 नवैया कितना हो जाएगा, ये 9 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 72 यानी कि 720। इसका मतलब क्या है, ये 720 ऐसी संख्या है जो जितने संख्याओं का हमने एलसीएम निकाला है सभी संख्याओं को पूरी तरह से ये एकदम काट देगी, कुछ नहीं बचेगा शेष, इसको 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 सभी संख्याओं को पूरी तरह से ये 720 काट देगी, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। लेकिन सवाल में बोला है रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, अच्छा अगर आप लोग बताइए कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा तो क्या 720 आंसर होगा, जब बोलता कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा तो 720 आंसर होगा, बिल्कुल सही है 720 आंसर होगा, लेकिन जैसे ही बोलेगा रिमाइंडर इतना बचेगा उसमें, यानी कि हमें ऐड करना पड़ेगा वो रिमाइंडर, क्यों, क्योंकि ये जो संख्या ये पूरी तरह से काटेगी रिमाइंडर नहीं बचेगा, कौन संख्याएं काटेगी, यही सभी संख्याएं काटेगी रिमाइंडर नहीं बचेगा, अगर हमको रिमाइंडर बचाना है तो सवाल में जितना रिमाइंडर बोलेगा उतना हमको ऐड करना पड़ेगा। आप लोग अच्छे से समझ में आ गया, तो रिमाइंडर कितना बोला है 3, तो प्लस 3 कर देंगे, हमारा जो आंसर आएगा आएगा 723 आ जाएगा। आप लोग समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, कुछ नहीं है सवाल में, देखिए 10 सेकंड 15 सेकंड मुश्किल से लगे हैं आपको पढ़ने में जो टाइम लगा, बाकी कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट है तो कुछ भी नहीं है सवाल में, आप लोग बहुत जल्दी कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, हर क्वेश्चन में थोड़ा सा थोड़ा बदलाव रहेगा, अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन रिपीट होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए होगा, परंतु नंबर आप क्वेश्चन को हम ज्यादा से ज्यादा कराएंगे। चलिए देखते हैं सवाल को, कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिवाइड 18 24 48 एंड 80 व्हेन एडेड 7, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 24 48 और 80 से पूरी तरह कट जाए जब उसमें 7 जोड़ते हैं। फिर से वही सेम बात कि छोटी से छोटी लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर जब भी दिया हो हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है एलसीएम 18 का 24 का 48 का और 80 का निकालते हैं, 9 दूनी 18, 3 का स्क्वायर 2, 24 का 3 अट्ठे 24, 8 त्रिक 24, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3, 8 छंग 48, ठीक है ना, 8 8 को क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, यहां पर देखिए पावर ऐड हो जाएंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, यहां पर अगर मैं करूंगा तो 10 अट्ठे 80 हो जाएगा, तो 8 को तो मैं 2 क्यूब लिख सकता हूं और 10 को क्या लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाई 5, यहां भी 2 की पावर 4 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4, 3 में हाईएस्ट पावर जरा देखते हैं तो 2 आया है और 5 है, 5 में 5 ही रहेगा, हाईएस्ट पावर कुछ है नहीं है 5 में, तो अगर मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 16 पंचे 80 और 80 नवैया 9 72 कितना हो जाएगा 720, कितना हो जाएगा देखिए 16 पंचे 80 और ये 9 हुआ तो 80 हुआ है ना 9 8 72 यानी कि कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। आप लोग ऐसे ही जल्दी से कैलकुलेशन करिए, जब भी बोला है 7 जोड़ा जाए, 7 जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि इसमें 7 आप जोड़ दें, समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि जोड़ते हम कब हैं जब रिमाइंडर रहता है शेष रहता है तब उसमें जोड़ते हैं, हमने पहला क्वेश्चन कराया था ना वो दूसरा क्वेश्चन इसके पहले वाला, जब भी रिमाइंडर रहेगा वो जोड़ा जाता है,
आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये 720 कौन सी संख्या है? ये 720 ऐसी संख्या है जो सारी दी गई संख्याओं को पूरी तरह से काट देगी, ठीक। लेकिन वो हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है उसमें सात जो जोड़ा गया है, सात जोड़ा गया है उसके बाद ये नंबर प्राप्त हुआ है। वो सात जोड़ने के पहले जो नंबर रियल में था, जो सात नहीं जोड़ा गया था, जब सात नहीं जोड़ा गया था, सेवन नहीं ऐड किया गया था, तो वो नंबर जो था वो हमको बताइए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इसमें से वो सेवन निकल जाएगा, क्योंकि आप लोग ये मानकर चलेंगे कि इसमें सेवन ऐड ऑलरेडी हो चुका है। और हमसे बोला है क्या कि हमको वो संख्या बताइए जिस जो संख्या में सात नहीं जोड़ा गया है। इसका मतलब है इसमें तो सात ऑलरेडी ऐड हो चुका है, सात इसमें से निकाल देंगे। तो अगर इसमें से सेवन निकाल देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा? 713 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 713 आ जाएगा। क्या आप लोग ये बात समझ में आ रहा है? कैसे जानेंगे? आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, जब भी वो बोलेगा जोड़ा जाए आपको उल्टा कर देना, माइनस सेवन कर देना है। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिकल में सोचें तो जो मैं बता रहा हूं वही बात सही है। और अगर आपको वो बात नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ऐसे समझ लें, अगर यहाँ पर जोड़ने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलेगा घटाने के लिए तो यहाँ पर जोड़ देंगे। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन ये हमारा बहुत अच्छा है, चलते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या कहता है पढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, उसके बाद देखिए हल्का सा डैश लगाया है, इसके बीच में पार्ट छूट गया था उसको यहाँ पर लिख दिया हूँ। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन 300 एंड 400 विच इज एग्जैक्टली डिवाइड 6, 15 एंड 18। ठीक, हिंदी में क्या कह रहा है? 300 और 400 के बीच वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 18, 24, 48 और 80 से पूरी तरह से कट जाए। कि क्या हो? पूरी तरह से कट जाए। ये बात आपको समझ में आई? ये वाला पार्ट नहीं है, ये पिछले वाले पार्ट का थोड़ा सा लिखा रह गया था, पूरी तरह से कट जाए। तो इसका क्या मतलब है? हमको छोटी सी छोटी तो बोला ही है और लिस्ट नंबर दिया ही है, हमें कुछ नहीं करना। क्या करना है? एलसीएम निकालना है। जरा देखिए एलसीएम निकालेंगे, क्यों? स्मॉलेस्ट नंबर दिया, छोटी से छोटी संख्या दिया है, तो किसका निकालेंगे? इन्हीं का निकालेंगे। 18, 24, 48 और 80। चलिए जल्दी से करते हैं, 9 दूनी 18, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर इंटू 2, 8 3 24, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब इंटू 3, 48 को क्या लिख सकते हैं? 8 6 48, यानी कि 16 का अगर करें, 16 3 48, तो 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 इंटू 3। और इसी तरह 80 को क्या लिख सकते हैं? 8 दहम्मा 80, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है? 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, और इनटू 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 5, वो 2 और इधर 2 की पावर 3 ऐड होकर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4, यानी कि 16 हो जाएगा, और 16 पंचे 80। आप लोग ऐसे भी पहाड़ा पढ़ सकते हैं, तो इसका मतलब डायरेक्ट लिख दिया हूं। अब ये होगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, हाईएस्ट पावर देख रहे हैं इसमें, जो होगा वही उतार ले रहे हैं, इंटू 5। अब अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो 16 पंचे 80 और 80 नवैया 9 8 कितना हो जाएगा? 72 ना, 700 कितना हो गया? 20, यही तो होगा। आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे, 16 16 पंचे 80 और ये 9 है, तो 9 8 72 कितना हो गया? 720 हो गया है। अच्छे से अगर एलसीएम निकालेंगे तो यही आएगा हमारा, ठीक है ना। अच्छा जरा एक मिनट, सवाल में थोड़ा सा चेंजेज है। पहले वाले सवाल में 6, 15 और 18 है, तो यहाँ पर हमें चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या चेंजेस करना पड़ेगा? आप लोग चेंजेस कर लीजिएगा 6, 15, 18, ये 80 को हटा देंगे। तो हमें जो निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन, किसके लिए निकालना पड़ेगा? ये तो पिछले वाले के लिए निकाला हूँ, ये पिछला वाला क्वेश्चन गलती से लिखा रह गया, ऊपर वाला क्वेश्चन को मैंने
ध्यान दिया नहीं, जरा देखिए हमें किसका निकालना है, 6 का, 15 का निकालना है और 18 का निकालना है। तो अगर मैं 6 को निकालूंगा तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 15 का निकालूंगा तो 3 पचे 15 हो जाएगा, और 18 का निकालूंगा तो 3 छक 18, 3 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 3 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 1 और 1 पावर ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 2। तो 2 में तो 2 ही रहेगा हाईएस्ट, 3 में क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 और इंटू 5। तो अगर मैं करूंगा 5 दूनी 10 और 10 नवा 90, कितना आ जाएगा, 90 हो जाएगा। परंतु ये 90 तो एलसीएम निकला है, लेकिन हमसे सवाल अब क्या पूछा, हमसे सवाल बोला है कि वो संख्या हमें 300 400 के बीच में निकालना है, वही छोटी से छोटी संख्या जो 300 और 400 के बीच में है, वो संख्या हमको बताइए। क्या ये 300 और 400 के बीच में आ रहा है, नहीं ना। तो 90 का हम टेबल पढ़ते जाएंगे और कहां पर रुकेंगे, जब हमारा 300 और 400 के बीच में वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। 9 का टेबल पढ़ते हैं, 9 दूनी 18 यानी कि 180, 9 त्रिक 27 यानी कि 27 यानी कि 270, 9 त्रिक 27 270, 9 चौक 36। अगर 90 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, और एक जीरो है तो 360। अगर 90 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पच्चे 45, ये ज्यादा हो गया। और 90 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 त्रिक 27 270। बताइए सबसे छोटी संख्या कौन है, 270 बताइए 300-400 के बीच में आ रहा है, नहीं। क्या 450 इसके बीच में आ रहा है, नहीं, ज्यादा हो रहा है। तो सिर्फ कौन संख्या बचती है, सिर्फ 360 ऐसी संख्या है जो हमारा इसके इसके बीच में लाइज करेगा, इसके बीच में आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ये सवाल, बड़ा ही इजी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको एक बार दिमाग में बैठ गया तो आप लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे अच्छे से। मैं विश्वास के साथ आपको ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, बस आते आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो बिल्कुल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्का सा डेविएट है, बस आप लोग अगर अच्छे से समझ जाते हैं, सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझ जाते हैं, तो आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, पक्का है, यकीन के तौर पर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जरा देखिए, find the smallest number which when lessened by 6 is divisible by 36, 48 and 21। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 6 घटाने पर 36, 48 और 21 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। सीधी सी बात, छोटी संख्या हमसे पूछा है, तो छोटी संख्या के लिए हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो निकालते हैं LCM, हम 36 का निकालते हैं, 48 का निकालते हैं और 21 का निकालते हैं। जरा देखिए, 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 4 36, या 12 तिहाई 36 लिख सकते हैं। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12, यानी कि 12, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 यानी कि 4, और नवाई 36 यानी कि क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 4 नवाई 36 हो गया। अब इसको हम करते हैं 12 चौक 48, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और 12 को क्या लिख सकते हैं, 6 दूनी 12, 12 को क्या लिख सकते हैं, 6 दूनी 12 या 2 छंग 12, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6। इसका मतलब है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, डायरेक्ट लिखते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 4 तिहाई 12। इसी के पार्ट का सारा है, तो यहाँ पर पावर जुड़ जाएगा तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। अब जरा हम 21 को तोड़ते हैं तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ये बात समझ में आया आपको। अब हाईएस्ट पावर 2 में कितना है, 2 की पावर 4 है। 3 में चलते हैं, 3 में हाईएस्ट पावर 2 है, और उसके बाद क्या और कोई संख्या बचता है, हाँ 7 बचता है, तो 7 कर लेते हैं। जरा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही हुआ, 16 नवैया 144, ठीक है ना, और 144 हो ही गया मल्टीप्लाई बाई 7। तो 7 से करते हैं, 7 चौक 28 के 8, फिर 7 चौक 28 और 2 30, और 7 एक कम 7 और 3 10, कितना आया, 1008 आया। ये 1008 ऐसी संख्या है जो सारी संख्याओं को पूर्णतया विभक्त कर देगा, यानी कि पूरी तरह से काट देगा। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन उसने बोला है कि वो संख्या बताइए हमको
छह घटाने पर, यानी कि हमसे बोला है कि वो संख्या बताइए जो छह घटाने पर आएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें हम छह घटा देंगे, इसका क्या मतलब है, संख्या जो आई है इसमें हमको वो संख्या पूछ रहा है जिसमें हमें छह जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बोला है कि छह घटाने पर ये संख्या आई है, लेकिन हमसे ये संख्या नहीं पूछा है, कह रहा है कि हमें एक्चुअल वो संख्या बताइए जो छह नहीं घटाया गया था। सवाल ये कहना चाह रहा है, लेकिन इसको पढ़ने से आपको लगेगा कि यार इस बोल रहे छह घटाने पर तो इसमें छह घटा देते हैं, लेकिन इसमें वास्तव में अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो ये ऐसी संख्या है जो तीनों को काट दे रही है पूरी तरह से। लेकिन हमसे पूछा क्या, हमको वो संख्या बताइए जो छह घटाने पर आई है, इसका मतलब ये वो संख्या है जो पूरी तरह से काट रहा है। तो हमें छह घटाने का मतलब क्या है, वो संख्या छह जोड़ने पर हमको मिलेगी, समझ में आ रहा है आपको? तो वो संख्या जो छह जोड़ने पर मिलेगी उस संख्या से अगर मैं छह घटाऊंगा तब ये संख्या प्राप्त होगी। और अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही तो हमने अभी आपको बताया था, अगर यहाँ पर घटाने के लिए बोलेगा लेस करने के लिए तो आप ऐड कर देंगे, और अगर आपको जोड़ने के लिए बोलेगा तो आप लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर आप लोग ये बात समझ गए हैं तो ऐसे समझिए प्रैक्टिकल, और अगर नहीं समझे हैं तो ये है ना आपके लिए, घटाना बोला है तो जोड़ देते हैं। तो कितना बोला है, सिक्स, तो सिक्स ऐड कर देते हैं, तो 8 6 14, यानी कि कितना हो जाएगा 1014। ये 1014 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए सवाल ये है, इसमें बोला है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है तो यहाँ पर लिख दिया हूँ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 15 एंड 18 ईच, यानी कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर दीजिए जो 12, 15 और 18 को पूरी तरह से विभाजित कर देगी, काट देगी। तो हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछा है, छोटी से छोटी बोलेगा तो हम स्मॉलेस्ट बोलेगा तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो बस एलसीएम निकालते हैं 12, 15 और 18 का, यही तीन संख्याएं दी हैं। तो 4 3 12, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3, 5 3 15, तो 3 5 15 हो गया, और 6 3 18, तो 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3 की पावर 2, यानी कि 9 2 18, इस तरह से आप लोग समझ लेंगे। अब जल्दी जल्दी से अब हम करना सीख गए हैं, तो 2 में हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 होगा, 3 में हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 होगा, और × 5 होगा, तो यानी कि ये हो गया 4 4 5 20, और 20 9 180। क्या आप लोग ये बात समझ पाए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 5 20, 20 9 180 हो गया। अब हमको बोला है कि 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो बताइए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है, 4 0 1 लिखकर 4 0 लिख दो, यही होती है छोटी छोटी संख्या, हम लोग जानते हैं। जब भी इस तरह से आप पूछेगा तो हमारा जो एलसीएम निकलेगा उस 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0, इसका मतलब हम एक एक 0 हटा देते हैं। अगर मैं हटाऊंगा, यहाँ पर हटा देने का मतलब क्या है, 1 0 हटाया, और जो डिवाइड करूंगा वो 18 से कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे समझ गए ना, 1 0 इसका हटाया तो 1 0 इसका। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 18 5 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 18 5 90, यहाँ पर 10 आएगा, ये 0 उतरेगा, तो फिर 18 5 क्या हो जाएगा, 90, यानी कि कैरी कितना आया, 10। हमने अभी तक जो सवाल समझाया आपको उसमें हमने आपको बताया है जब भी हमें रिमाइंडर प्राप्त होगा वो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, जुड़ जाएगा, किसमें जुड़ जाएगा, जो हमारा एलसीएम आएगा यहाँ पर उसमें नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको वो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है। तो अगर मैं 5 अंकों में चलूं, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में चलूं, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या वो हमारा था कौन, वो हमारा ये था, ठीक। अब जो कैरी होगा यही 10 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये बात आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर एलसीएम में क्यों नहीं किए, भाई एलसीएम का यूज इसलिए था
क्योंकि एलसीएम के जरिए ही हम इस छोटी से छोटी संख्या को डिवाइड कर पाए। अगर एलसीएम चेंज होगा तो यहाँ पर कैरी कुछ और आएगा, ठीक है ना। तो एलसीएम ही ये डिफाइंड करेगा, जो एलसीएम आया है यही डिफाइंड करेगा कि वो संख्या कौन सी होगी, ठीक है ना। अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछती तो यहाँ पर 1000 नहीं, 9995 टाइम्स होता, आपको समझ में आया, और जो रिमाइंडर बचता वो ऐड करना पड़ता। तो हमारा आंसर फिलहाल ये है, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव्स अ रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाई 6, 9, 15 एंड 18 इज। वह छोटी से छोटी 7 का गुणज बताइए जिसे 6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। ये हमारा सवाल था, ये हमारा सवाल कह रहा है। तो यहाँ पर भी हमको लिस्ट दिया है, क्या दिया है, छोटी से छोटी दिया है। जब भी हमें लिस्ट या छोटी से छोटी देगा तो हम क्या निकालेंगे, सीधे एलसीएम 6 का, 9 का, 15 का और 18 का।